स्पीड बता रही है तुम्हारा कितनी है, तीन छः स्पीड में सामने से जाके ले ये वाइट लाइन से अंदर ही डाल दो।
सर मैडम का आने का लगभग 8 बजे का टाइम है, 15 मिनट आप आने के बाद। नहीं नहीं 8 बजे शुरू होना है बड़ा ना उसके। एक मिनट सर, आती है सर बड़ी 8 बजे सर, 8 बजे आ जाएंगे। मैं आवाज़ बंद कर रहा हूँ। हेलो जय भाई, हेलो 1 2 3 4 5 हेलो 1 2 3 टेस्टिंग 1 2 3 Thank you.
अरे भाई साहब, ओ भैया इधर आ जाओ, इधर आइए। तीसरी बार इधर आइए, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक बार नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप गलत बात, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हम तो वहाँ अगर साथ आते तो पीछे भी चले जाते। हमारा तो अधिकार है हमारे पास। नहीं भैया, हम गवर्नर भविष्य हर्षण ने यही कहा। सींचा है शहीदों ने आजादी गुलशन को, हम ऐसे शहीदों की यादों को मनाते हैं। बर्फीले पहाड़ों पर कश्मीर के रखवाले सरहदों पर अपनी जान बताते हैं। देवी सज्जनों, हमारे बीच मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का आगमन होने जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस परेड वर्ष 2020 के इस अवसर पर हमारे मंत्री उपस्थित पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री विवेक जौहरी, सर बस आने वाले जनरल सल्यूट, सलाम प्रेस चलो। अभी हाल ही में हमारे बीच मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का आगमन हुआ और आगमन के साथ ही परेड के द्वारा जनरल सलूट से आपका अभिवादन किया गया। बलिदान को धर्म मान, जिन सैनिकों ने, सिपाहियों ने, देशभक्त जाबाज वीरों ने सरहद पर और अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने आप को मार दिया, मिटा दिया, आत्मदान कर दिया,
ऐसे शहीदों की स्मृति में आज का यह पुण्य अवसर आयोजित है। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। हम सभी अपने संवेदनाओं और चिंतन को मुखातिब करें इस तथ्य की ओर कि जिन जाबाज वीरों ने अपने स्वार्थ को छोड़कर पुरुषार्थ और परमार्थ का गीत गाते हुए आत्मा आहुति दे दी, उनका हम स्मरण करें और स्वयं को इस बात के लिए संकल्पबद्ध करें कि हम भी इस देश के लिए, इस देश की माटी की शान के लिए अपने कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहें। दिव्य सज्जन, आज के इस कार्यक्रम का प्रथम सोपान घटित हुआ। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश हमारे मध्य पधारे। अगले क्रम में हमारे मध्य होंगे प्रमुख सचिव गृह पुलिस विभाग, मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश, माननीय गृह मंत्री महोदय एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया। आप सभी अतिथिगणों की प्रतीक्षा के इस क्रम में आइए हम सभी पुनः याद करते हैं देश के लिए मर मिटने वाले देकर कितने पैगाम गए, वह अपने खून की स्याही से लिखकर हिंदुस्तान गए। उन रक्त स्याह हिंदुस्तान के स्वर्ण अक्षरों को हम अपने हृदय पटल पर अंकित करें और आत्मचिंतन करें, मंथन करें, मूल्यांकन करें अपनी प्रतिबद्धता का। देवी सज्जनों, अपने हृदय में देशभक्ति और जन सेवा की ज्वाला को धड़काएं और आइए संकल्पबद्ध हों कि धरा के पावन कण में हम भी यदि अवसर आया तो लहू चढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी की उपस्थिति में हम प्रतीक्षारत हैं हमारे अतिथियों के लिए। देवियों सज्जनों, पुलिस स्मृति दिवस भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 अक्टूबर 1959 को हमारे भारत के 10 जाबाज बहादुर ऑफिसर्स एवं जवानों ने चीन की सेना के साथ देश की रक्षा करते हुए लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में, जिसे आज हार्ट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, ये वही स्थान है जहाँ पर हमारे भारत के ऑफिसर्स एवं जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन संपूर्ण भारत में पुलिस संगठनों द्वारा 21 अक्टूबर शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। जिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश की खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए, उन जाबाज बहादुर वीरों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम नमन करते हैं उन माताओं को, उन बहनों को जिन्होंने अपने भाई, अपने सपूत को भारत माँ की रक्षा में निछावर कर दिया, उन्हें हम बारम्बार नमन करते हैं। शौर्य धारा सा बहे जो वो पुरुष है, कर्म से गाथा कहे जो वो पुरुष है, छांव देकर खुद ढहे जो वो पुरुष है, बलिदान को तत्पर रहे जो वो पुरुष है। माननीय अतिथिगणों, आज ऐसे ही पुरुषार्थ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। पुलिस स्मृति दिवस परेड वर्ष 2020 के अवसर पर आप सभी की उपस्थिति का स्वागत है। नहीं आज डर तो मूसा वगैरह आ रहा है, बस मैडम को इंतजार है।
जगह मिल गई हाँ थोड़ी हमारे पास आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का शुभ आगमन आने का संकेत हमें मिल रहा है। प्रिय सज्जनों, आज पुलिस स्मृति दिवस परेड वर्ष 2020 के आयोजन के इस अवसर पर हम उन पराक्रमी शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी से, अपनी शहादत से हमारे देश के सुरक्षा के लिए, जनमानस की सुरक्षा के लिए, आम जन जीवन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आत्म आहुति दिया है और कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की अपने इंतहा का प्रदर्शन दिया है। दिव्य सज्जनों, हमारे मध्य कुछ ही क्षण पश्चात हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया हमारे मध्य होंगी। आप सभी को हम सूचित करना चाहेंगे, माननीय राज्यपाल महोदया के शुभागमन के साथ ही शहीद दिवस परेड द्वारा सलामी दी जाएगी, राष्ट्रीय ध्वज का वादन किया जाएगा। आप सभी से निवेदन होगा, कृपया आप सभी राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने स्थान पर खड़े होंगे। त्याग और बलिदान की श्रेष्ठता की कसौटी रहा है आज का यह पर्व। पुलिस स्मृति दिवस परेड वर्ष 2020 के इस पुण्य अवसर पर हम अपने मार्मिक स्मृतियों को अपने हृदय में सजोए हुए स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया का। वे परेड के मध्य अपना स्थान ग्रहण करते हुए सामने सीधा आज सामने सीधा राष्ट्रीय सल्यूट सलाम ले बैठ गया तो मेरा गुरु उधर आ गया।
हमारे मध्य शुभागमन हुआ माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का परेड द्वारा अभिवादन किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय अपना आसन ग्रहण करते हुए शहीदों को सलामी देगी सलाम में अतिथि महोदय के समक्ष पांडवर पार्टी द्वारा सम्मान सूची का प्रस्तुतिकरण होगा।
शौर्य और त्याग के अमर पथ पर प्रयाण कर चुके शहीदों के दिव्य गीत को याद करते हुए पाल लेबर पार्टी शहीद स्मारक के समक्ष शोक चक्र की मुद्रा में आते हुए यह परेड प्रदर्शन की एक प्रविधि है जिसके माध्यम से हम अनुशासित तरीके से उस कुर्बानी और पराक्रम को स्मरण कर रहे हैं। अपनी शोक संवेदनाएं और मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ यह शोक शस्त्र पाल वेरर पार्टी कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय की ओर मुखातिब समान सूची का प्रस्तुतिकरण करते हुए मेहनत बलिदान संघर्ष जुनून सब्र और विश्वास का प्रतीक है यह समान सूची माननीय राज्यपाल महोदय को समर्पित करते हुए पाल वेरर पार्टी की कमांडर पालवेरर पार्टी कमांडर अपने स्थान पर स्वयं शोक शस्त्र की उस प्रस्तुति के लिए अग्रसर माँ की शान में स्वप्राण कर दिए समर्पित ऐसे असली शूरवीर धरती पुत्र जाबाज सैनिकों को जिन्होंने देश की सरहद पर ही नहीं बल्कि आम जनजीवन में शांति व्यवस्था सुरक्षा की स्थापना के लिए अपने आत्मदान कर दिए ऐसे जाबाज वीर पुत्रों को स्मरण करती हुई यह परेड और पाल वेरर पार्टी की कमांडर शोक शस्त्र की मुद्रा में आती हुई पाल वेरर पार्टी जिसने शहीद स्मारक के समक्ष आकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शोक शस्त्र की अभिव्यक्ति की माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समान सूची प्रस्तुत किया और अब यह दल अपने स्थान पर स्थापित होने के लिए अग्रसर आइए हम सभी इन क्षणों में नमन करें हे नमन तुझको ए वीर सैनिक कि तेरी शहादत से ही इस पार सैकड़ों घरों का दीपक जला है है नमन तुझको कि ये जानते हुए भी कि जिस माँ ने अपनी ममता को हरा सौ सौ बलाएं लेकर भेजा तुझको सीमा पर उसके आंचल का सूनापन तेरे जाने के बाद भला कब भरा है और तिरंगे में लिपटे अपने कुल दीपक के शव को देखकर भी वो पिता जो गर्व से सीना ताने खड़ा है उसके बूढ़े कंधों को भी फिर कब कहां सुस्ता कोई सहारा मिला है वो बहन जो राखी का थाल सजाए करती रहेगी इंतजार तेरा साल भर उसकी राखी के दागों का मोल भी भला फिर किसने दिया है नमन तुझको कि तूने ये राज्य की निभाई इस देश से इश्क की हर एक रस्म
ये जानते हुए भी कि तेरी उस वीर वधु के अश्रुओं को पोंछने तुझसा कोई हम सफर न तेरे बाद साथ उसके खड़ा है। है नमन तुझको कि सीने में दबाए ये सारे जज्बात भी इस धरा की माटी को क्यों तू दुश्मनों को जीतने चला है। है नमन तुझको तेरे सज्जनों, हम इस नमन करते हुए और नतमस्तक होते हुए इन क्षणों में परे अगले क्षण में स्थापित होती हुई परे अगले अपने सोपान में अग्रसर होगी पांडवेयर पार्टी अपने स्थान पर स्थापित। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देवियों सज्जनों, अब हम निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय से कि वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस कर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, मुख्य सचिव श्री बाल सिंह राय, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, शहीदों के सम्मानीय परिजन तथा पुलिस के मेरे साथी, 21 अक्टूबर का दिन देश की अखंडता की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बलिदान की स्मृति का दिवस है। यह हमारे शहीदों की कर्तव्य प्रायणता एवं शहादत को चिर स्मरणीय बनाने का दिन है। 21 अक्टूबर 1959 को 16,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी सब इंस्पेक्टर करम सिंह के नेतृत्व में गश्त कर रही थी। उस समय चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की स्मृति में यह दिवस देश की समस्त पुलिस इकाइयों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष ड्यूटी के दौरान उत्तर प्रदेश में हमारे 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इन 7 पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक स्वर्गीय शेर सिंह डोरिया, सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय वसंत विरोसे, सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय मायाराम खरारी, आरक्षक स्वर्गीय जितेंद्र सिंह गुर्जर, आरक्षक स्वर्गीय दिलीप, आरक्षक स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह यादव और आरक्षक स्वर्गीय प्रबल प्रताप सिंह शामिल हैं। स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम सब मिलकर अपने शहीद साथियों का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के दिन हम हमारे शहीद के परिजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश पुलिस उनके साथ है। आप सब हमारे पुलिस परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा बने रहेंगे। कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश की पुलिस ने आम जन की रक्षा के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर की भूमिका निर्वाह करी और बड़ी कुशलतापूर्वक करी। इस वर्ष 11 पुलिसकर्मियों का निधन कोरोना ड्यूटी के दौरान हुए संक्रमण से भी हुआ है। कोरोना काल में नागरिकों की रक्षा करते हुए संक्रमित होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक स्वर्गीय प्रेम प्रकाश गौतम, SDOP स्वर्गीय सुरेश शेजवाल, निरीक्षक
स्वर्गीय देवेंद्र चंद्रवंशी, निरीक्षक स्वर्गीय यशवंत पाल, सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय आबू समन खान, प्रधान आरक्षक स्वर्गीय बाबूलाल भवेद, प्रधान आरक्षक स्वर्गीय दयाराम, आरक्षक स्वर्गीय जाफर खान, आरक्षक स्वर्गीय शिवराम देवलिया, आरक्षक स्वर्गीय विजय घोष और आरक्षक स्वर्गीय राकेश राय शामिल हैं। विभाग के कुल 2 उप पुलिस अधीक्षक, 2 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक, 2 प्रधान आरक्षक तथा 8 आरक्षकों ने इस अवधि में देश की सेवा करते हुए प्राणों की आहुति दी है। इनके परिजनों को नियमाधीन सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभाग दृढ़ संकल्पित है। अंत में मैं एक बार फिर शहीद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बलिदान को नमन करता हूं। जय हिंद। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय से इस अवसर पर आपका आशीर्वाद हेतु। माननीय गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह जिलेश जी, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक धुर्वे जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरे जी, अमर शहीदों के स्नेही परिजन तथा समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं देश एवं प्रदेश के सभी शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस वर्ष प्रदेश और देश में कई पुलिस जवानों ने अपनी आहुति दी है। मैं शहीदों के परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाती हूँ कि इस घड़ी में ये अकेले नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन और संपूर्ण समाज उनके साथ है। समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे के वातावरण को मजबूत रखने में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए मैं जमात पुलिस कर्मियों से कहना चाहूंगी कि वे इसी सोच को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहते। आप सब समाज का अभिन्न हिस्सा है तथा आपकी सक्रिय भागीदारी के बिना विकास की सोच को फलीभूत करना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को और बेहतर के साथ जारी रखना होगा। पुलिस की उपलब्धियों से मैं परिचित हूँ। अपराधों की त्वरित विवेचना और अपराधियों को सजा दिलाने में वृद्धि मध्य प्रदेश पुलिस की सक्रियता से संभव हुई है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस की गणना देश के श्रेष्ठ बलों में की जाती है, जो पहचान आप सब ने स्थापित की है। उसे और अधिक निखारने की दिशा में सदैव तत्पर है। मैं इस अवसर पर कहना चाहती हूँ कि आप सब असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्रद्रोही ताकतों का पूरी कठोरता के साथ दमन करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो, आमजन सुरक्षित महसूस करे। प्रदेश के नवाचार डायर 100 को देश के विभिन्न राज्यों ने अपनाया है। एक FIR आपके द्वारा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ऑनलाइन चरित्र सत्यापन की सुविधा जन सामान्य के लिए उपलब्ध करवाई गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस की वर्क फोर्स ने बालाघाट जिले में 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली बादल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश पुलिस ने दस्त समस्या के निदान के साथ साथ
नक्सलियों के खात्मे की दिशा में उल्लेखनीय काम किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूर्ण मुस्तैदी से किए जा रहे कार्य सराहनीय है। पुलिस के सजग रवैये से ही आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। समाज में इस सुरक्षा की भावना को और मजबूत बनाए रखना होगा। कोरोना संक्रमण की इस वैश्विक महामारी में प्रदेश की पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान सरकार ने पुलिस बल में वृद्धि के साथ ही उन्हें आधुनिकतम हथियारों और उपकरणों से लैस करने के निर्णय लिए हैं। इन प्रयासों को आगे भी जारी रखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में पुलिस जवानों और अधिकारियों की लगातार कठिन ड्यूटी को देखते हुए उनके परिजनों की सुख सुविधाओं और कल्याण के प्रति सरकार का पूरा ध्यान है। मुझे खुशी है कि पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कर्मियों के परिजनों को भी लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं प्रदेश की शांतिप्रिय जनता की सराहना करना चाहूंगी, जिसके अनुशासन एवं भाईचारा पूर्ण आचरण से आज हमारे प्रदेश के देश में साख बनी है। सांस्कृतिक विविधता के बावजूद हम सब एक हैं। इस वातावरण को बनाए रखने के लिए आम आदमी को अपने अधिकारों के साथ ही कर्तव्य के प्रति सचेत रहना होगा, पुलिस का सहयोगी बनना होगा। अपने शहीद साथियों की शहादत से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। मैं एक बार पुनः शहीद पुलिसजनों के पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिजनों के कल्याण की कामना करती हूँ। जय हिंद। पार्टी द्वारा सम्मान सूची का इस बार कोष में संस्थापन होगा। निरंतर बनाए रखने हेतु आयोजित है आज का यह पुलिस स्मृति दिवस परेड। पाल जनरल पार्टी मंच की ओर मुखातिब होते हुए यहाँ सम्मान सूची का स्मारक कोष में संस्थापन किया जाएगा। सीनियर सर्जन परेड सावधान के मुद्रा में एवं पाल जनरल पार्टी कमांडर के नेतृत्व में यह दल मंच की ओर मुखातिब सम्मान सूची माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त कर शहीद स्मारक कोष में संस्थापित की जाएगी।
मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम। तुम अकेला बात कर रहे हो, इतने साइलेंट तो बात कर, तुम्हारा ऑडियो है काम नहीं कर रहे, हम सभी लोग कर रहे हैं। तो हमारा पालवर पार्टी द्वारा शोक सत्र की कार्रवाई की गई और पालवर पार्टी के कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करीब मुखातिब है, जहां पर सम्मान सूची प्राप्त कर स्मारक को संस्थापन की जाएगी। जीवन समर भूमि पर समर्पित जिन योद्धाओं ने अपने आप को मातृभूमि को समर्पित कर दिया और मृत्यु शैया पर सहर्ष झूल गए, जनजीवन की शांति व्यवस्था, आम जनजीवन की लोक व्यवस्था और स्वाधीनता को अक्षुण बनाए रखने के लिए तिरंगे का कफन ओढ़ चुके जावाज वीरों की नामावली को समाहित करते हुए सम्मान सूची को संस्थापित किया जा रहा है। पालवेरा पार्टी कमांडर द्वारा शहीद स्मारक कोष में यह संस्थापना हमें इस बात के चिंतन के लिए प्रेरित कर रही है कि आइए हम भी निःस्वार्थता और साहस की उच्च शिखर पर जीवन को प्रतिष्ठित करने वाले शहीदों के पुरुषार्थ और परमार्थ को नमन करें, उस दिव्य गीत को गुनगुनाएं जो इन शहीदों ने अपने लहू के अक्षरों से लिखा। स्वर्ण अक्षरों में मां भारती का नाम अंकित करते हुए आत्मदान करने वाले इन शहीदों की सम्मान सूची को स्थापित किया गया स्मारक कोष में पालवेरा पार्टी अपना स्थान लेने के लिए अग्रसर। संपूर्ण परेड शोक शस्त्र की मुद्रा में है, पालवेरा पार्टी कमांडर भी शोक शस्त्र की मुद्रा की अभिव्यक्ति करते हुए हम अपने शोक संवेदनाओं को व्यक्त करने की मनस्थिति में आइए सहभागिता दर्ज कराएं इन गरिमापूर्ण क्षणों में। देवियों सज्जनों, हम आपको अवगत करा दें कि अब कुछ ही समय में बंगलुरु द्वारा लास्ट वोट की धुन बजाई जाएगी। इस समय पर हमारा निवेदन है इस मैदान में उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथियों से कि अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।
संपूर्ण भारत में दिनांक 1/9/2019 से 31/8/2020 तक कर्तव्य की वेदी पर वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नामावली का वाचन हुआ एवं स्मारक पर अतिथियों व पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार क्रमवार पुष्पांजलि अर्पण Thank you.
is like driver, Sahaji Bhavra Bhajade, P.G. Kishore Lakshman Agmaram, Manipur, Amandar Kishu Haini, Rifleman Ajin Chandra, Punjab, Hospital Food, Chef Mohan Singh, Hospital Sudeep Singh, Rajasthan, Constable Kambatila, Constable Ramesh Bhandan, Constable Vikas Kumar,
चंद्रकांत ठाकरे, कॉन्स्टेबल परमार कुमार सिंह, कॉन्स्टेबल संतोष कुमार मिश्रा, कॉन्स्टेबल अश्विन कुमार यादव, कॉन्स्टेबल चंद्रशेखर सिंह, कॉन्स्टेबल यमुना यादव, कॉन्स्टेबल श्यामलाल देव, कॉन्स्टेबल ड्राइवर खुशी खान, कॉन्स्टेबल शर्मा डॉक्टर सुभाषण, कॉन्स्टेबल अर्जुन सिंह, कॉन्स्टेबल सेन अशर्मा, कॉन्स्टेबल नवीन कुमार, कॉन्स्टेबल सिंह Fireman Mohammad Aslam, Fireman Vimal Khanna, Fire Officer Anil Kumar, IPPT, UIC Sidhya Pandey, ASI Narendra Kumar, Head Constable Arjun Kumar, Head Constable Yusuf Bangur, Head Constable Jay Singh, Head Constable Shiv Kumar Dhawan, Head Constable Vijay Gandhal, Head Constable Sardar Kumar Kendra, Head Constable Kukram Mangal Singh, Head Constable Lal Sahib, Head Constable D.D. Rinku, Head Constable Rahul Sonowal, Constable Munna Kumar Singh, Constable Jason D. Dhami, Constable Sheikh Khadi Hussain, Constable Jadim Dhana, Constable Mukesh Kumar, Constable Ram Singh, MHS, Area of Major K.K. Mishra, Area of Major Amrit Mishra, ACIO for Lakshman Singh, ACIO 1 Sunil Kumar Singh, ACIO 1 PR Gulchandan, AFO Rajam Paul, SS Munitika Mani, SAMP Ankit Sharma, MPS General BN Nakur, RPS, SI Munish Kumar, ASI Udhar Rathi, ASI Munish Kumar, ASI MM Singh, Head Constable Pawan Kumar, Deputy Head Constable Pranita Pandey, Constable Gendran Kumar Singh, Constable Ravi Kumar Singh, Constable S. Dr. Pata, Constable Ram Singh, Constable Ramji Singh, Constable Sunil Kumar, Constable Parshuram Kumar, ASI Lal Chand, ASI Satya Lal, SSB, ASI GD Lal Chand,
अकेला भी हो गए और इस साइड पूरी महादेव नेता और इस साइड महादेव अब्दुल्ला हजारे बीजी किशोर नंबर आसाम वाला ईशो है असल में ईशो ट्रेंडिंग Thank you.
honorable Dham Seva, Head Constable Patanjali Guru, Head Constable Abdul Rashid, Head Constable Dave Park, Head Constable Mani Kumar Pandya, Constable Guru Kumar, Constable Anand Nandan, Constable Sandeep, Constable Mani Lata, Head Constable Ravi Singh, Head Constable Gurja Mehta, Head Constable
अब परेड स्मारक के दाहिने बाएं से मार्च करते हुए प्रस्थान करेगी। परेड कमांडर परेड ड्वाइस से अपना स्थान ग्रहण करते हुए पुलिस का दो परिवार जनों से भेंट करेंगे। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदया
for its commander, for its loyalty about all the other parties there. Thank you.